सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रियलमी C53 में OTG कनेक्शन सेटिंग कैसे एनेबल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाली इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग में जाना है। सो फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा OTG कनेक्शन का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस सेटिंग को अनेबल कर देना है। इस सेटिंग को अनेबल करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इसको अनेबल करने के बाद आप अपने फोन में पेन ड्राइव लगाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगी। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आपने अपने फोन में पेन ड्राइव लगाई और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फाइल्स में आना। फाइल्स में आने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नीचे पेन ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप रियलमी C53 में OTG कनेक्शन सेटिंग को अनेबल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।